तो फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे इंडियन पोस्ट बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे आपको सर्विस में जाना है, ठीक है। अगर आप आधार कार्ड से मोबाइल लिंक कर रहे हैं, ठीक है, या ईमेल लिंक कर रहे हैं, कुछ भी लिंक कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले सर्विस में जाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप मोबाइल नंबर को लिंक करना चाहते हैं या ईमेल को लिंक करना चाहते हैं, दोनों ही ऑप्शन आपको यहीं पर मिलेगा। आपको सर्विस में जाके ये वाला ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका है डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको फ्रेंड्स यहाँ पे आना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, वेबसाइट का नाम दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ आप देख लीजिए, आपको मैं दिखा दूँ, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ पे ओके कर देंगे। यहाँ पे इस तरह का वेबसाइट आपके सामने खुल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिंपली आपकी सारी चीज़ें भर लेना पड़ेगा। यहाँ पे डिस्क्लेमर दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका नाम भरना है, जिसका भी आप करना चाहते हैं उसका नाम भरना है। उसके बाद एड्रेस डालना है, पूरा एड्रेस आपका पूरा सही सही होना चाहिए। उसके बाद पिन कोड डालेंगे यहाँ पे। उसके बाद जो भी लिंक करना चाहते हैं वो ईमेल यहाँ पे डालेंगे, और यहाँ पे आप मोबाइल नंबर डालेंगे। उसके बाद आपको यहाँ सर्विस चूज़ करना पड़ेगा, ओके। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है सर्विस लेना पड़ेगा हम लोग को, IPP आधार सर्विस, ठीक है। उसके बाद यहाँ आप अगर 0 से 5 साल का बच्चा का आधार कनेक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे। अदरवाइज आपको नीचे वाला चूज़ करना पड़ेगा, जो कि ईमेल मोबाइल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग को आपको लाइव ये फॉर्म भर के दिखा दूँ कैसे ये फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपना नाम भरिए, जिसका भी आप कनेक्शन करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने मम्मी का करवा रहा हूँ, तो उसका नाम डाल दिया हूँ। उसके बाद एड्रेस डालना है, एड्रेस आपका एग्जैक्ट होना चाहिए, जो आपका एग्जैक्ट लोकेशन है। यहाँ पिन कोड डाल लेना है, यहाँ पे ईमेल डाल लेना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना है, तो इस तरह आपको ईमेल जो लिंक करना है वो डाल लेना है। और जो भी आप मोबाइल नंबर लिंक करना चाहते हैं अपने आधार कार्ड से, उसको आप यहाँ पे डाल दें। उसके बाद आपको सर्विस पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आधार सर्विस में आपको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद नीचे में आपको 0 से 5 साल के बच्चे के लिए अगर आप आधार कार्ड अपडेट या करेक्शन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। अदरवाइज आप 5 साल से ज़्यादा के व्यक्ति हैं तो आप यहाँ पे नीचे वाले ऑप्शन चूज़ करके यहाँ पे क्लिक कर लेना, ठीक है। उसके बाद रिक्वेस्ट OTP पे क्लिक करना, ठीक है। OTP पे क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे जो OTP आएगा उसको आपको डाल के कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद आपको
एक डिफेंस नंबर देगा, यहाँ पे नीचे में दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, यहाँ पे उसके रेफरेंस नंबर को आप सबसे पहले नोट कर ले या कॉपी में यहाँ पे लिख ले, या आप उसको कॉपी भी कर सकते हैं, ठीक है। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे ट्रैक योर एप्लीकेशन में जाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से आप अपने रेफरेंस नंबर को डाल लेना है, उसके बाद एक्ट में क्लिक करना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पे उसका स्टेटस दिखाई देगा। यहाँ पे सिंपली आप स्टेटस देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे आपका ऑफिस का नाम दिया हुआ, स्टेटस दिया हुआ है, यहाँ पे रिक्वेस्ट डेट। तो इस तरह से आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।